कंग्रेचुलेशंस, आप अपनी लाइफ का एक बड़ा माइलस्टोन पूरा कर चुके हैं। हाय, ये है मेरी फैशन और स्टाइलिंग पे वीडियो सीरीज। स्टाइल कभी भी एज पे डिपेंड नहीं करता, या ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा स्टाइल किस एज के लिए अप्रोप्रिएट है और किसके लिए नहीं। या तो वो स्टाइल अच्छा है या फिर नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि इस एज के लिए ये अप्रोप्रिएट है और वो नहीं। आज के इस वीडियो में मैं बस यही सब डिस्कस करने वाली हूँ कि आप सब 50 प्लस वाली खूबसूरत औरतें क्या पहने सो दैट एलिगेंट लगे। यस, एलिगेंट दिखना ही इस एज का मंत्रा है। बट उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ के इन गोल्डन ईयर्स में एंटर करते हैं और आगे बढ़ते हैं, आपके फैशन टेस्ट और बॉडीज में फ़र्क आता है। सो ये बहुत जाहिर सी बात है कि आपकी ड्रेसिंग और लाइफस्टाइल भी धीरे धीरे चेंज होगी। बट ऐसे कोई रूल्स नहीं है कि अगर आप 50 प्लस हैं तो ये सब नहीं पहन सकते और अब ये सब ही पहनना है। आपका जो मन करे, आपके दिल को जो खुशी दे, आप वही पहने। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखें कि अब हमें मेनली फोकस करना है एलिगेंस पे। तो एलिगेंट दिखने के लिए जिन सब चीज़ों का ख्याल आपको रखना है, मैं वो सब इस वीडियो में शेयर करूंगी। सबसे पहले कलर चॉइस पे बात करेंगे। यूजुअली मेरे जो 50 प्लस वाले क्लाइंट्स हैं, ज़्यादातर दे आर लाइक, अरे मेरी एज में ऐसे कलर्स अच्छे नहीं लगते, थोड़े सोबर कलर्स में ही आउटफिट बनाएंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप ब्राइट कलर्स बिल्कुल भी नहीं पहन सकते। आपको अगर दिल से ब्राइट कलर्स पसंद हैं तो आप ज़रूर पहनो। आप पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सिर्फ इतना ख्याल रखो कि एट अ टाइम आपके आउटफिट में एक ही ब्राइट कलर हो या फिर पूरा आउटफिट एक ही कलर का हो। अगर बहुत सारे ब्राइट कलर्स एक ही टाइम पर पहनने की कोशिश करेंगे तो वो उतने एलिगेंट नहीं लगेंगे। इसलिए ढेर सारे कलर्स की बजाय कोई एक अपना फेवरेट ब्राइट कलर चूज करें और उसमें ड्रेस पहने। अब अगर कलर ब्राइट चूज किया है तो एम्ब्रॉयडरी थोड़ी सेटल चूज करें। लेट्स अज्यूम आपने एक ब्राइट कलर का आउटफिट पसंद किया और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी खूब बोल्ड और लाउड पसंद करी, एंड वहीं दूसरा आउटफिट सोबर कलर में पिक किया बट एम्ब्रॉयडरी इस पे भी बोल्ड पसंद करी। आप खुद डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि सेकेंड वाला ऑप्शन आंखों को ज़्यादा भाएगा। आप कलर और एम्ब्रॉयडरी में से एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ले सकते हैं। सिमिलरली हम बात करेंगे आपके आउटफिट के कट के बारे में। आप चाहे तो अनारकली पहनिए या फिर एसिमेट्रिकल लेयरिंग वाला कोई आउटफिट। ऐसा कुछ नहीं है कि अब एज बड़ी हो गई है तो आपको एकदम सादे कट्स वाले सलवार कमीज ही पहनना चाहिए। कट्स पे किसी भी एज ग्रुप के राइट्स नहीं होते, सो जो मन करे वो पहनिए। फिर चाहे वो लोअर्स में प्लाजो हो या फिर शरारा, आपका जो मन करता है आप पहन सकते हैं। अगर आपके आउटफिट का कट स्टाइलिश है तो कलर और एम्ब्रॉयडरी को सेटल रखिए। ये आपके पूरे आउटफिट में एक ओवरऑल बैलेंस लेके आएगा। आपकी पूरी अपीयरेंस में सिर्फ एक ही फोकस पॉइंट या फिर चीज़ होनी चाहिए। अब आप चाहें तो वो कलर भी हो सकता है और एम्ब्रॉयडरी भी, या फिर आपके आउटफिट का कट और स्टाइल। अगर ब्राइट कलर है तो स्टाइल सिंपल रखें विद मिनिमल एम्ब्रॉयडरी। वहीं अगर फैब्रिक हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है तो कलर और स्टाइल को सेटल रखें। बट अगर कलर सेटल है, फैब्रिक भी सिंपल है, तो आप कोई इलैबोरेट स्टाइल वाला आउटफिट ले सकते हैं। सेम गोज फॉर ज्वेलरी। ज्वेलरी का एक बहुत मेजर रोल होता है एलिगेंस में। अगर आप कोई बहुत आर्टिस्टिक या फिर हैवी ज्वेलरी पहनना चाहते हैं तो आप अपना आउटफिट सिंपल रखें और कोई एक स्टेटमेंट ज्वेलरी पीस ही पहने। आपका नेकलेस, झुमके, बैंगल्स, हर एक चीज़ ही ओवर नहीं होनी चाहिए। सिर्फ कोई एक ही स्टेटमेंट पीस हो सकता है, या तो कोई बहुत खूबसूरत बैंगल होगा या फिर कोई हार। बट हार और बड़े बड़े इयररिंग्स और बाकी सब एक साथ पहने हुए एलिगेंट नहीं लगेगा। लास्टली मैं कुछ ड्रेस स्टाइल्स आपको बताऊंगी जो आप कंफर्टेबली पहन सकते हैं और एलिगेंट भी दिख सकते हैं। आप अपने आउटफिट्स में स्ट्रेट सिल्वेट्स प्रेफर करें, मीन्स बहुत ज़्यादा फ्लाउंस वाले आउटफिट्स अवॉइड करें जिनमें खूब कैन और सब लगा रहता है। बट आप फ्लेरी कलीदार कुर्ता और अनारकली पहन सकते हैं।
ये बहुत ही ग्रेसफुल लगते हैं और मोस्टली सभी फीमेल्स को सूट भी करते हैं। देन आप सिल्क या फिर लिनन में साड़ीज पहन सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप किस ओकेजन के लिए तैयार हो रहे हैं। लोअर्स की बात करें तो आपको सिर्फ सलवार पे रिस्ट्रिक्ट नहीं होना है, आपका अगर मन करे तो आप पैंट्स, प्लाजो, शरारा, चूड़ीदार, जो भी आपका मन करे पहन सकते हैं। वेस्टर्न वेयर में शॉर्ट लेंथ की बजाय मिड लेंथ कोट्स पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं विद स्ट्रेट ट्राउजर्स या फिर डेनिम्स। आजकल कॉर्ड सेट्स का काफ़ी ट्रेंड है, आप क्रॉप टॉप ना सही बट मिड लेंथ टॉप वाले कॉर्ड सेट्स इजीली पहन सकते हैं। मैंने काफ़ी लेडीज़ को नोटिस किया है कि वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना चाहती हैं बट दुपट्टे की कमी के कारण कॉन्शियस होती रहती हैं, तो इसके लिए आप किसी भी वेस्टर्न आउटफिट के साथ कोई प्रिंटेड या फिर इवन प्लेन स्कार्फ कैरी कर सकते हैं और लुक को कंप्लीट करने के लिए एक स्मार्ट सा हैंडबैग। क्लचेस और हैंडबैग्स बहुत ही इजी ऑप्शंस होते हैं टू लुक एलिगेंट। एंड लास्टली एक अच्छी वॉच, बिलीव मी ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रख के अपना वार्डरोब बिल्ड करिए, आपको कभी भी रेडी होते टाइम प्रॉब्लम नहीं आएगी और जैसा स्टाइलिश और एलिगेंट आप दिखना चाहते हैं वैसे लग सकते हैं और वो भी बिना किसी कॉम्प्लेक्स के। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो इसे अपने सभी एज मेट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो के बाद आप अपनी ड्रेसिंग में क्या क्या चेंजेस लाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।